बहुत गर्म है। क्या है मैंने पूछने टायर देखे भाई, ये क्या चीज है? हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल हेलमेट कैम राइडर एंड वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। सबसे पहले छोटों का प्यार, बड़ों का आज की राम राम और बाकी सबका स्वागत है हमारे इस व्लॉग में। गाइस, मैं सुमित मग्गो आज के नए व्लॉग में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और आज मैं फिर से जा रहा हूँ राइड पे। जी हाँ, संडे मॉर्निंग राइड, जैसा कि आप टाइटल पढ़ चुके हैं, संडे ब्रेकफास्ट राइड विद डॉटर, तो उसके लिए जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक फ्यूचर की राइडर से मिलवा दूँ, देखिए फिर। हेलो गाइस, तो लीजिए गाइस, मिल लीजिए रानी से। और आज की राइड शुरू होने वाली है 35,744 किलोमीटर। जयकारा वीर बजरंगी का बोल, साचे दरबार की जय, श्री श्री देवता की जय, जय श्री श्रीदेव महाराज की जय, प्रभु हमारी राइड को सक्सेसफुल रखना। तो गाइस, राइड शुरू हो चुकी है और मैं बता दूँ आज है क्या। आज है वर्ल्ड मोटरसाइकिल डे। तो सबसे पहले आप सभी को मोटरसाइकिल डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी मोटरसाइकिल डे। और आज की ये राइड इसीलिए मैं जा रहा हूँ जबकि काम पे मैं अकेला हूँ, तो थोड़ा सा मुश्किल था मेरे लिए निकल पाना, लेकिन मैं इसीलिए निकल रहा हूँ क्योंकि आज की मोटरसाइकिल डे है। तो भाई, टिप ऑफ द डे क्या है सबसे पहले सुन लीजिए। भाई, हमारे हर व्लॉग में हमेशा आपको ये बात मिलती है कि लाल बत्ती कभी जंप ना करे, इसका सम्मान करे, इसका अपमान कभी ना करे। तो आप भी ध्यान रख लीजिए, लाल बत्ती का हमेशा सम्मान करे, इसको कभी ना तोड़े, ग्रीन होने पे ही निकले। कुछ बेवकूफ़ होते हैं, उनकी वजह से आप बेवकूफ़ी ना करें, ठीक है ना। तो हाँ, कहाँ थे हम लोग, वर्ल्ड मोटरसाइकिल डे पे। तो आज मैंने सोचा भाई थोड़ी देर निकलता हूँ, एड्रेनलिन भी रश होएगा और थोड़ा दूर भी जाना है तो मज़ा आ जाएगा। फिर मैंने सोचा यार चलो साथ में खुशी को भी ले लूँ, ये बेचारी छुट्टियों में अकेली है। तो आज हम बाप बेटी दोनों दोनों जा रहे हैं इसीलिए, और वहीं पे ही ब्रेकफास्ट करेंगे। तो ये भी थोड़ा सा खुश हो जाएगी कि पापा पूरी छुट्टियां कहीं लेकर भी नहीं गए, कहीं वो भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, ये ऐसे ऐसे पैसे वैसे जैसे जैसे पैसे करते रहेंगे। तो इसीलिए मैंने इसको साथ में ले लिया। तो गाइस, अभी नोएडा आने वाला है और आज वर्ल्ड मोटरसाइकिल डे के ऊपर मैंने सोचा यार ज़रूर चलना चाहिए, थोड़ा सा मेरे भी एड्रेनलिन निकलना है थोड़ा सा यार। आज संडे का दिन है यार, तो अच्छा लगता है थोड़ा सा निकलते हुए ना बाहर, मज़ा सा आता है, एक आदमी थोड़ा रिलैक्स सा फील करता है यार। शीशा नहीं खोलेंगे पर इन्हें इधर का दिखाई ना दे भले चाहे। तो कितनी गलत बदतमीजी वाली बात है ये, शीशा नहीं खोल रहे, इन्हें राइट लेफ्ट दिखाई नहीं दे रहा लेकिन फिर भी ये शीशा नहीं खोलेंगे उसका। अरे साइड मिरर, टू व्हीलर में साइड मिरर का प्रॉपर यूज़ लेते हैं,
भाई वाली गाड़ी यहाँ भी दिखाई दे रही है हमारे शीशे में ब्लैक कलर की, और इस शीशे में भी दिखाई दे रही है। भाई बड़ा खुश है, हेलमेट के बगैर खुश चल रहा है बताओ। तो गाइस नोएडा में आपका स्वागत है, और ये रहा D&D फ्लाई ओवर, है ना जी। ये ऊपर से आ रहा है D&D फ्लाई ओवर। तो अयान भाई को यहीं बोला था वेट करने के लिए, अरे भाई रुका है या नहीं रुका है। एक बार फ़ोन तो बीच में बज रहा था, पर आई वॉज इग्नोर्ड एट दैट टाइम ड्यू टू ड्राइविंग। अयान भाई तो नहीं दिखे, लेट हिम कॉल। तो गाइस भूले नहीं अपने आप को हाइड्रेट करते रहे, गर्मी बहुत है तो मौसम का पूरा ध्यान रखे। तो गाइस ये रही नोएडा फिल्म सिटी। जी हाँ, ये है नोएडा फिल्म सिटी। आप जो आज तक और ये सब जी न्यूज़ वगैरह देखते हो, वो सब यहीं से टेलीकास्ट होता है। सामने है गौतम बुद्ध नगर, ओखला बर्ड सेंचुरी की बैक साइड पे है, और ये नोएडा का एरिया चल रहा है। और अभी परी चौक आने वाला है, और कुछ सेकंडों में परी चौक से जो है काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर अटलांटिक वाटर पार्क है, ऊपर जा कर के दोबारा दिल्ली की तरफ को जाएंगे, और कई चीज़ें हैं। ये नहीं है परी चौक सर, सेक्टर ये तो गाजियाबाद, ये दूसरा है, ये परी चौक नहीं है। परी चौक अभी आएगा, ये तो नोएडा में ही जाने वाला है। परी चौक काफ़ी खुला है। तो अभी मैं बता दूँ, हम लोग जा रहे हैं फ्लाई व्हील कैफ़े, और यहाँ पर जो है राइडर्स के लिए रहता है अरेंजमेंट हमेशा से, और रैली भी है आज काफ़ी। तो यार आप लोगों को बताइए, 42 हो गया और नहीं उठ पाता हूँ सुबह 4-4 बजे। यार तो अलार्म जितने मर्जी लगा लो, नींद ही नहीं खुलती है साली। अयान भाई का फ़ोन भी आया 4 बजे, भाई उठ गए हो? हाँ। उसके बाद फिर सो गया। अब यार उम्र का भी तो देखना ही पड़ता है ना, हिसाब किताब। अब नींद पूरी नहीं होगी। अच्छा इन लोगों ने क्या, घर आके सो जाना है? मैंने भाई घर नहीं आना, मैंने घर से वहाँ से सीधा काम पे निकल जाना है। तो मेरे को ये भी एक फ़र्क रहता है कि आदमी कहता है यार अपनी नींद पूरी करके चलूँ, यानी नहीं तो बीमार पड़ जाऊँगा। और मेरी तो फिर आपको पता ही है केमिस्ट शौक है, तो सुबह का गया रात को घर आता हूँ फिर, तो यार थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है उसमें फिर। और रात को संडे का दिन है चाहे भले, लेकिन रात को 10 बजे आऊँगा। ये है भाई परी चौक, ये परी चौक है। और तो बात क्या कर रहे थे, हाँ कि भाई मैं सुबह का गया रात को फिर घर आऊँगा, तो फिर मैं थकान को भी तो उसी हिसाब से रखूँगा ना। एड्रेनलिन रश करना है ठीक है भाई, मज़ा आता है राइड करके, अच्छा लगता है, दिल खुश होता है, लेकिन शरीर को तकलीफ भी तो नहीं देनी ना। शरीर जितना काम कर सके उतना ही काम करवाना है उससे। यानी भाई तो ठीक है भाई, और कुछ नहीं बस। काट दो फोन, काट दो। अयान भाई को फ़ोन किया था, पहले उनको फ़ोन किया तो उन्होंने उठाया नहीं, दोबारा किया तो कह रहे यार मैं तो पहुंच गया, तुम फ़ोन नहीं उठा रहे थे तो मेरे को लगा कि मैं पहुंच जाता हूं। तो चलो अब फटाफट वहीं पहुंचते हैं भाई के पास, और फिर देखते हैं वहां का क्या माहौल है। आप जब तक थोड़ा सा एक म्यूज़िक मज़े लीजिए और रास्ते का इंजॉय लीजिए, ठीक है ना।
तो म्यूजिक का मजा और रास्ते का एंजॉय, बहुत दोनों चीजें एंजॉय करें। गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं और अंदर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। चलो अंदर चल के देखते हैं। हवा बहुत तेज़ चल रही है आज यार, गर्मी का दिन है और ऊपर से हवा। हाँ, आप लोगों को भी आ रही होगी। तो पहुंचते ही हमें सबसे पहले कुछ दुकान मिली जहां पर राइडिंग शूज़, गियर्स और जैकेट्स दिख रही थी। उसके बाद हम लोग पहुँच गए रेसर के टायर वाले पे। भाई वहाँ तो जाते ही सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये फॉर्म भर दो, आप लोगों का लक्की ड्रॉ निकलेगा तो हम आपको एक किट देंगे। चलो कोई बात नहीं, पहले तो मेरे पास स्कूटी है, रेसर टायर्स मैं करूँगा क्या जब मेरे वो बाइक्स के टायर है। तो लेकिन फिर भी हम आगे निकले और हमने मोटुल पे पहुँचे। तो मोटुल वालों ने हमें कुछ गिफ्ट हैम्पर दिए, पेट्रोल वगैरह, इसे टंकी वगैरह साफ़ हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हमने लिए चाबी का छल्ला लिया रानी के लिए और चल दिए। तो भाई आगे जाके मेरी बिटिया ने कहा कि पापा मैं तो छोले भटूरे खाऊंगी। उसको छोले भटूरे खिला दिए और उसके बाद हम लोग जो है आ गए। फिर पता चला कि भाई ब्रेकफास्ट तो फ्री है, हम तो छोले भटूरे के पैसे दे बैठे थे। तो फ्री का ब्रेकफास्ट मैंने पेड़ डाला। भाई साहब हद मचा दी हमने तो, हद गदर। भाई 600 राइडर का खाना मंगा रखा था और राइडर 300 भी नहीं पहुँचे। फिर क्या था भाई, सबको डबल डबल मसाला मिल रहा था, सबको डबल डबल। मैंने तो पाव के लिए भी इकट्ठा करके ले आया और भाई खूब इंजॉय किया। देखिए आप लोगों के सामने ये लोग खूब डांस वगैरह भी कर रहे थे, लाइव म्यूज़िक सेशन चल रहा था। पर ये सब के बीच में आपको एक बात बता दूं कि यार वहाँ शोर बहुत था, इसीलिए मुझे यहाँ आकर के डबिंग करनी पड़ी है। तो अगर कोई साउंड वगैरह का इशू लग रहा हो तो यार माइंड मत कर। ज़ूम करके बना वहाँ पर। तो गाइस फाइनली हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से और ये कैप है, ये लंच बॉक्स है परू के लिए मैंने ले लिया है और बस और कुछ नहीं। बस अब निकलते हैं यार, 9:30 हो गए, धूप सर के ऊपर आ गई बिल्कुल ही। यहाँ के सुंदर से रास्ते से बाहर निकलने का समय आ गया है और एक्चुअल में मेरा मोबाइल गिर गया यार, आप लोगों ने शायद देखा होगा। करना ही भूल गया था इसे, वो तो अच्छा हुआ जमीन पे नहीं गिरा, यही स्कूटी पे टिक गया था। यही बाइक होती तो भाई गया था ये काम से आज। हो जाता यार, नॉर्मल सी बात है लॉक ना कर पाना या इस तरह से कुछ है या नहीं। चलिए आप कहेंगे तुमने राइडिंग ग्लव्स क्यों नहीं पहने, तो मैं बता दूं इसलिए नहीं पहने क्योंकि बहुत सारा सामान इकट्ठा हो गया था यार, मोटुल वोटुल वालों ने दे दिया। हम दो बंदे थे, दो बंदों के हिसाब से दे दिया, बैग हो गया फुल, ग्लव्स रह गए नीचे और वो तो कैमरा है ऊपर था, तो इसीलिए मैं टेंशन फ्री रहा। हाँ जी, क्रिकेट स्टेडियम नहीं सर, नहीं नहीं, आगे फ्लाई व्हील कैफे है राइडर्स के लिए। हाँ नहीं, इस रूट का मुझे तो नहीं पता, बाकी यहाँ से जो नीचे को कट रहा है वहाँ से राइडर्स का कैफे है। बाकी क्रिकेट स्टेडियम आगे को कहीं हो तो पता नहीं। देखो यार आते टाइम तो मैं इतना सब दिखा नहीं पाया था क्योंकि जीपीएस के भरोसे ही चल रहा था। देखो कितनी कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स यहाँ भी बन गई, आने वाले टाइम पे शायद ये भी गुड़गांव की तरह हब होगा एक। नहीं, मैक्स हॉस्पिटल, गुलशन टावर, जी ब्लॉक, क्या क्या इन्फॉर्मेशन। आते टाइम जो रास्ता हमने अंदर से उस तरफ से कवर किया था फिल्म सिटी के साइड से, वो अब हम बाहर से कर रहे हैं और स्पीड से निकल रहे हैं। और बेसिकली क्या है कि उस समय जो था हमारे पास अंदर से जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि यू टर्न बहुत आगे से था, तो इसीलिए अब हम बाहर से ही आएंगे क्योंकि इस समय भाई जा रही है। यार कितनी सुंदर लग रही है ना, तुझे देख कितनी सुंदर लग रही है इसकी बालकनी ना, पेड़ पौधे लगे हुए कितनी सुंदर लग रही है।
हाँ स्कूल भी ऐसा बना रखे फाइव स्टार होटलों की तरह है। हाँ अरे बेचारी जेल में पढ़ती है, स्कूल में पढ़ती ही नहीं है, है ना है। मेरे को तो लंदन या उसकी याद आ रही होगी, यूरोप की। ओ माय गॉड, एक काम करते हैं, ये देखो ये भी स्कूल है, देखो है ना, बिल्कुल ठीक बात है, स्कूल तो है नहीं तेरा तो जेल है। गुड बेटा, कीप इट अप, अपने स्कूल की ऐसी बुराई करो, है ना। हाँ अच्छी बात है, आजकल के बच्चे, हम भी अपने टाइम पे जब हम थे अपने स्कूल की बुराई करते थे और दूसरा स्कूल अच्छा लगता था। ये नहीं पता जो मिलता है ना और जिसके लायक हम होते हैं भगवान हमें वही देता है, तो इसीलिए आज वक्त बड़ा हो गया हूँ, मैच्योर हो गया हूँ, तो इस चीज़ को समझता हूँ कि हमारा यही स्टैंडर्ड था जो हमें मिलता है या नहीं। किस्मत बनाने से कभी नहीं बनती है, सिर्फ आपका काम मेहनत करना है। देखो मेहनत लेबर भी करती है तो क्या वो मालिक बन जाती है? कभी नहीं बनती। आप भी मेहनत कर रहे हो, आपका भी वही स्टैंडर्ड होगा जो आपके हिसाब से चलेगा। पर मैं तो इतनी सी बात बोलूँगा, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता क्या क्या फाइव स्टार क्या सेवन स्टार क्या नॉर्मल स्टार है। वाह क्या सुंदर बना रखा है परीचौक, गांधी जी का चरखा, हमारे देश का शेर और जिसको हम लोग अक्सर देखते बेटे, वहाँ के यहाँ के खर्चे हम अफोर्ड कर नहीं पाएंगे बेटा। बेटे यहाँ बहुत खर्चे हैं, यहाँ तो 40-40 हज़ार रुपये तो मेंटेनेंस है एक मकान की महीने की। तो बेटा उतनी औकात भी तो हो ना, हमारी इतनी इनकम नहीं है बच्चे, है या नहीं। हम जिस लायक है हम बहुत अच्छे हैं, अपनी सोसाइटी में हम बहुतों से अच्छे हैं, तो इसीलिए हम बेटर पे हैं, कोई ऐसी बात नहीं। तो आप लोगों ने सुना मैंने बिटिया से भी ये डिस्कशन किया। ओ भाई वो गुलशन बिल्डिंग दिखाई थी उसका बोर्ड देखो कहाँ लगा हुआ यहाँ पर। बहुत 4K है पर बिल्कुल सामने वो हमारा हिमायू टॉम्ब है और वो यहाँ से दिखाई देता है। मैंने सिर्फ स्पेशली इस रूट पे इसी रूट ली थी आज, लेकिन ये मेरे को पता है नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको, सिर्फ गाड़ी वाइट वाली दिखाई दे रही होगी, क्योंकि एक तो बहुत फार अवे हो गया मतलब दूर है, तो दूसरा ये बहुत वाइड एंगल है तो इसमें लेना बड़ा मुश्किल होगा उसको शायद, लेकिन क्या पता दिख रहा हो। और अगर दिख रहा हो तो यार बहुत अच्छा लग रहा होगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये। एक्चुअल में ना यहाँ से मैं इसीलिए निकलता हूँ सिर्फ, और कोई कारण नहीं है मेरा यहाँ से निकलने का। तो अगर दिख रहा हो तो यार कमेंट कर देना भाई कि कैसा लग रहा है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। एट द टाइम ऑफ एडिटिंग तो मैं देख लूँगा, लेकिन आप लोगों के कॉमेंट्स जरूरी है ना यार, किसी ना किसी बहाने से तो चाहिए ही। अब भाई इंडिकेटर देख लिया तेरा यार, अब देखो यार अब कैसा लग रहा है, ये कॉमेंट तो बनता है यार, कमेंट बनता है ना भाई, है ना। मुझे बोलना है लेकिन मैं तुम्हारे लिए रुकाऊंगा उसके। मैंने गाड़ी थोड़ी धीरे करी है आप लोगों को कुछ दिखाने के लिए, आज संडे है कल मंडे है और कल है ईदी बकरा ईद, तो आप लोगों को कुछ दिखाता हूँ। ये बेचारा कल हलाल होगा, इस बेचारे की कल आएगी, कल ईद में बेचारे कई सारे कुर्बान हो जाएंगे। अभी तो मोटर अभी तो स्कूटी के मज़े ले रहा है भाई तू, कल पता चलेगा तेरे को, है या नहीं। बाय बाय दोस्त, अलविदा, अगले जन्म तुम कुछ और बनकर आना। भाई आज हवा बहुत तेज चल रही है, बहुत गर्म हवा है ब्लू वाली, तो फील हो रही होगी बहुत तेज हवा चल रही है, स्कूटी में जो है लफड़े की तरह ऐसे पड़ रही है, इस साइड से आ रही है और जैसे स्कूटी इस तरफ करो तो आसानी से आती है, लेकिन इधर तो करो तो बहुत तंग कर रही है। तो इतनी तेज हवा चल रही है, कोई आंधी तूफान नहीं है, आप पेड़ों को देख सकते हैं, देखिए पेड़ भी इतने तेज तेज हिलते हैं, तो बहुत तेज लफड़ जैसी हवा लग रही है, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा गाड़ी चलाने का। ये देखो भाई कितनी मिट्टी जैसी हो रही है यहाँ, रोहिणी के पास तो आते ही ऐसे मिट्टी कानों में आंखों में लग रही है, पूछो मत।
इतना गंदा एटमॉस्फेयर हो रखा है, देख रहे हो मिट्टी मिट्टी ऊपर तक हो रखी है। पापियों की नगरी है लगता है, मैंने पापियों की बहुत पॉल्यूशन है भाई। और कहने को रोहिणी में बहुत खुले पेड़ वेड़ है भाई, अभी सिर्फ बाईपास पे लगाऊँ इतना गंदा मौसम हो गया यहाँ, पूछो मत। क्या है मैंने पूछने, टायर देखियो भाई ये क्या चीज़ है, ऐसे लग रहा है टोबो साइकिल बना दी हो इसने, टोबो कार है ना, अच्छी लग रही है। लो भाई खुशी को तो अच्छी लग रही है ये गाड़ी, मुझे तो टोबो कार लग रही है, टोबो कार टोबो कार इन द रोड टोबो कार। तो भाई राइड यहाँ होती है फिनिश और हमारे हो गए 35,848 किलोमीटर कंप्लीट।